गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सब लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़िए ताकि क्लास शुरू हो सके। एक सेकंड, बैठ भैया, हमने गलत चीज़ को शेयर कर दिया। एक सेकंड वेट कर लेना भैया। सब लोग आ गए सर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मेरे लाल, बहुत अच्छे। अभी सब लोग आ जाएंगे, वेट, बस एक मिनट वेट कर लो मेरे लाल, थोड़ा वेट कर लो, सब लोग अभी हाजिर हो जाएंगे। मैं बस फटाफट लिंक को शेयर कर दूं। अंकुश चौधरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश चौधरी, आदित्य सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सब लोग हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए ताकि क्लास स्टार्ट हो सके। सभी लोग आदित्य सर, डेली इसी टाइम क्लास होती है? बिल्कुल डेली इसी टाइम क्लास होती है। आज कल मैं क्लास लिया नहीं हूँ तो सब आज पता नहीं कहाँ गायब हैं, लेकिन अभी सब धीरे धीरे करके सभी लोग आ जाएंगे, ठीक है? पर तो डेली इसी टाइम क्लास होती, रेगुलर इसी टाइम क्लास होती है। आदित्य महंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो फॉर्मेलिटी है, उनकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, क्रैक एसएससी एग्जाम विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, आप सभी लोगों का अनअकैडमी पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजेश पोरवाल, आप सभी लोग लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम पे हमें देख पा रहे हैं और हम लोग आज साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। रोज बेटा इसी टाइम पे साइंस क्लास चलती है, साइंस का डिस्कशन होता है। अगर आपको वीडियोस से रिलेटेड लिंक पाना है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आप लोग को रेगुलर टाइमली लिंक मिलता रहेगा। यहाँ पर अनअकैडमी पर टॉप एजुकेटर के टॉप बैचेस स्टार्ट हुए हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। उससे एक इम्पॉर्टेंट बात तुम लोग को ये बता देते हैं, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, उसमें बच्चा मेरे आईडी को सर्च करके आप फॉलो भी कर लीजिए। क्योंकि आप लोगों को जानकारी की बात ये हम बता दें कि अनअकैडमी ऐप जो है, अनअकैडमी की अगर हम बात करें तो अनअकैडमी ऐप पर मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस चलती हैं, मेरी फ्री स्पेशल क्लास चलती हैं और इन स्पेशल क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं आप। बिल्कुल ये फ्री होती हैं, इसलिए आप सभी लोग इसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अंकुश चौधरी, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो एजुकेटर पढ़ाएंगे उनके नाम ये हैं। बच्चा कुछ बातें हमें बताना जरूरी हैं जो बताएंगे जरूर। एवरी संडे को पोरवाल 10 कोड का यूज करिए और हर संडे को बन सकते हैं करोड़पति, क्योंकि चलता है अनअकैडमी कम्बैट 12 बजे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लास अब मिलने लगी है आप लोग को। और दूसरी चीज, 1 करोड़ स्कॉलरशिप पूल है यहाँ पे, 1 करोड़ तक स्कॉलरशिप पूल है। सब्सक्रिप्शन पे ऑफर जो है वो क्या है, बच्चा अगर 1 साल का लेते हो तो 2 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा, अगर 2 साल का लेते हो तो 4 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। ये एक्स्ट्रा का ऑफर जो है ये बच्चा लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, अगर अभी आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज कोई। चलिए फटाफट जुड़ जाइए, शुरू करते हैं क्लास।
और बताइए, सब लोग बताइए, पहले क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? बताइए सभी लोग फटाफट। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। मिस खुशबू भी हमारे साथ, दीप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप टैलेंट है, बहुत अच्छे। आज भाई बड़े कम लोग हमको दिखाई पड़ रहे हैं, क्या मामला है? कि हमको ही खाली कम शो हो रहा? अच्छा, हमको कम शो ही हो रहा था, हम सोच रहे क्या हुआ। चलिए देखते हैं, सबसे पहले सही जवाब किसका आया है। लिखा, प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित होता है? ऑप्टिकल फाइबर्स आर बेस्ड ऑन द फिनोमिनन ऑफ इंटरफेरेंस, डिस्पर्जन या डिफ्रेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सबसे पहला सही जवाब जो हमें मिला है वो मिला है दीप टैलेंट हब से। बिल्कुल आपका आंसर सही। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है इसको हिंदी में प्रकाशिक तंतु कहा जाता है। क्या बोलते हैं बच्चा? हिंदी में इसे प्रकाशिक तंतु बोलते हैं। तो प्रकाशिक तंतु जो होता है ये किस पर कार्य करता है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि इसका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा? डी होगा। ऑप्टिकल फाइबर का काम क्या, ये क्या करता है? प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है और उसको वक्रीय रूप में यानी कि उसका ध्रुवण कर देता है। और ध्रुवण करने के बाद वो सीधी रेखा में ट्रेवल करता है, यानी कि सीधी रेखा में प्रकाश चल सके, सीधी रेखा में प्रकाश को चलाने का काम जो करता है वो ऑप्टिकल फाइबर करता है। इसलिए इसका मुख्य रूप से प्रयोग जो होता है वो सिग्नल कम्युनिकेशन में होता है, यानी कि सिग्नलों के दूर संचार में अगर पूछा जाए किसका प्रयोग होता है तो ऑप्टिकल फाइबर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बहुत अच्छे सभी लोग बताइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। देखा, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। द फिनोमिनन ऑफ हाई एसोसिएटेड विद द एपियरेंस ऑफ ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज। प्रकाश का रंग, आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, इसका मूल कारण क्या है? देखते हैं सबसे पहले सही जवाब किसका है। सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जब आप लोग आंसर बताएं तो कोशिश करें कि आंसर के साथ साथ क्वेश्चन भी आपका लिखा हो, नहीं तो मैं आपका क्वेश्चन कंसीडर नहीं कर पाऊंगा। तो इसकी अगर बात करें तो सबसे पहले दीप ने ही हमें सही जवाब बताया। ऋचा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, ऋचा जी आपका भी स्वागत है। वैसे अगर बात करें तो इसका जवाब सही है, सही जवाब होगा स्कैटरिंग। स्कैटरिंग की अगर बात करें तो प्रकीर्णन होता है। आकाश किसे हम बता भी चुके हैं, अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें सवाल किससे रिलेटेड हो, नीले रंग से रिलेटेड हो, तो आंसर आंख बंद करके लगाना है प्रकीर्णन। क्या आंसर लगा देना है? प्रकीर्णन लगा देना। क्योंकि यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए, जैसे पूछता आकाश का रंग नीला है, किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आकाश का रंग नीला है, प्रकीर्णन के कारण। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे पानी का रंग नीला दिखाई पड़ता, किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। पृथ्वी जो है वो नीली दिखाई पड़ती, किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहते हैं, ये बात आप सभी लोगों को जानकारी होगी। अगला क्वेश्चन है, लेंस किससे बनता है? लेंस इज मेड ऑफ पेरेक्स ग्लास से, फ्लिंट ग्लास से या ऑर्डनरी ग्लास से या कोबाल्ट ग्लास से। सभी लोग इसका सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर थ्री का सबसे पहले देखते हैं सही जवाब किसका होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री का सबसे पहला सही जवाब जो हमें मिला है वो किसका मिला? दीप टैलेंट हब का ही मिला है। क्वेश्चन नंबर थ्री का सबसे पहला सही जवाब। यहाँ पे अगर बात करें तो लेंसों के निर्माण में किसका, अगर हम बात करें तो लेंसों के निर्माण में कौन सी कांच? फ्लिंट कांच का यूज किया जाता। कौन सी कांच यूज होती है बच्चा? फ्लिंट कांच। इस कांच को क्राउन कांच भी कहा जाता। क्या बोलते हैं बच्चा? क्राउन ग्लास। तो अगर फ्लिंट ग्लास नहीं लिखा होगा तो क्या लिखा होगा? क्राउन ग्लास। तो क्राउन ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसका बी ऑप्शन क्या है? सही है। और सबसे पहले सही जवाब किसने बताया था? दीप टैलेंट हब ने बताया था। दीप टैलेंट हब का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखो मेरे लाल। क्वेश्चन है, ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे पानी छोड़कर, यानी कि झीलों के नीचे का पानी जो है वो नहीं जमता है,
लेकिन बाकी झील ऊपर की सतह जम जाती। लेक फ्रीज इन कोल्ड कंट्रीज इन विंटर लीविंग द वाटर अंडरनेथ एट। सभी लोग आंसर बताइए। आकाश, अंकुश, सॉरी। देखते हैं सबसे पहला सही जवाब किसका आया है। सबसे पहला सही जवाब जो मिला है क्वेश्चन नंबर 4 का, सबसे पहला सही जवाब मिला है दीप का। भाई आप लोग क्वेश्चन जरूर मेंशन करें। सर हम भी आ गए हैं। एलेक्स पंडा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो इसकी अगर बात करें तो इसका सही जवाब होगा 4 डिग्री सेल्सियस। देखो बच्चा 4 डिग्री सेल्सियस की कंडीशन, मेन कंडीशन यही ऐसी है जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 डिग्री सेल्सियस के बारे में आप जान लीजिए। 4 डिग्री सेल्सियस ऐसा टेम्परेचर है जिस पर डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी मैक्सिमम होती है, और वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम मिनिमम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। और 4 डिग्री सेल्सियस पे दुनिया की कोई भी वस्तु सुरक्षित रहती है, यानी कि कोई वस्तु खराब नहीं होगी अगर टेम्परेचर कितना हो 4 डिग्री सेल्सियस। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि फ्रिज में सब्जियां नहीं सड़ती हैं क्योंकि फ्रिज का टेम्परेचर कितना होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्लड बैंक में ब्लड नहीं जमता है, क्यों? क्योंकि ब्लड बैंक का टेम्परेचर कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। आपसे क्वेश्चन पूछता है बर्फीले स्थानों में मछलियां नहीं मरती हैं क्योंकि वहां का ताप कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। आप बेटा खुद देखिए, यहाँ पे अगर झील है ये जम जाती है झील 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो ऊपर बर्फ की परत तो जम जाएगी लेकिन नीचे क्या होगा, पानी ही भरा होगा। तो इस पानी में मछलियां जिंदा रहती हैं। तो इसी कंडीशन पे पूछता है कि बर्फीले स्थानों पे मछलियां जिंदा रहती हैं क्योंकि वहां का ताप कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। ऐसी कौन सी कंडीशन है, जैसे आप अपने फ्रिज में कटोरे में पानी भर के लगा दीजिए तो क्या होगा, ऊपर तो बर्फ की परत जम जाएगी लेकिन नीचे पानी ही भरा होगा। ऐसी कंडीशन को ही हम बोलते हैं क्या, 4 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है MRI मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। इन MRI मशीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। साउंड वेव का यूज होता है, एक्सरे का यूज होता है, अल्ट्रासाउंड वेव का यूज होता है, या मैग्नेटिक वेव का यूज होता है। सभी लोग आंसर बताइए। वैसे सही जवाब जो मुझे मिला है, फिर से दीप टैलेंट हब का करेक्ट जवाब है। मैग्नेटिक वेव की अगर बात करें तो इनको हम कह सकते हैं, एक्चुअल में ज्यादातर ऑप्शन में मैग्नेटिक वेव नहीं देता है, ज्यादातर ऑप्शन में दिया जाता है रेडियो वेव। कौन सी वेव बच्चा, रेडियो वेव। ये रेडियो वेव जो होती हैं इनका नाम सुने होंगे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि रेडियो तरंग की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये इलेक्ट्रो वेव भी यहाँ पे इस हिसाब से ऑप्शन अगर इलेक्ट्रो वेव लिखा होता तो ये भी आंसर क्या होता, सही होता। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर हम बात करें तो ये इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसमें मैग्नेटिक पावर सबसे ज्यादा होता है, मैग्नेटिक पावर ज्यादा होने के कारण अपनी ओर हर आर्टिकल को, यानी कि किसी भी मेटेलिक चीज को अपनी ओर खींचना शुरू कर देती। यही मूल कारण है कि जब आप MRI वगैरह कराने जाते हैं तो वहां पर लोहे का छल्ला, लोहे का सिक्का, यानी कि किसी भी धात्विक चीज को क्या कर दिया जाता, उतरा दिया जाता, बाहर करवा दिया जाता, क्योंकि हाई मैग्नेट वाली वेव क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। ऋषुराज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषुराज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन पूछा जाए MRI की का फुल फॉर्म क्या होता है। MRI का फुल फॉर्म पूछ सकता है, पूछा भी गया है बच्चा, पूछ क्या सकता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा बच्चा, इसका फुल फॉर्म होगा मैग्नेटिक रेजोनेटिंग इमेज, मैग्नेटिक रेजोनेटिंग इमेज। रेजोनेंस के प्रिंसिपल पे ये क्या करती, काम करती। अगला क्वेश्चन लिखा है, ग्रहण किस प्रकाशीय परिघटना के कारण लगते हैं। इक्लिप्स ऑकर्स ड्यू टू विच ऑप्टिक
ऑप्टिकल फिनोमिना परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, रिज रेखे संचरण के कारण या विवर्तन के कारण। बच्चा 1 मिनट जरा हमें टाइम दीजिए, 1 मिनट दीजिए, आप आंसर बताइए। चलो सभी लोग आंसर बताइए। मतलब चलिए बताइए आंसर सभी लोग। 6 का आंसर जो होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो इसका आंसर होगा क्या? ऋजु रेखीय संचरण जो होता है, जब एक ही रेखा के अनुरूप क्या होते हैं, एक रेखा के दौरान वो, यानी कि क्या होता है जब वो, क्या कहते हैं, मोमेंट कहते हैं, यानी कि परिक्रमण काल शुरू होता है, परिक्रमा करना शुरू करते हैं। जैसे ग्रहण, ग्रहण 2 प्रकार के होते हैं, एक सूर्य ग्रहण होता है, एक चंद्र ग्रहण होता है। अगर सूर्य ग्रहण की हम बात करें तो सूर्य ग्रहण जब लगता है तो पृथ्वी और चंद्रमा के, पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। और जब चंद्र ग्रहण लगता है तो सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है। तो ये ऋजु रेखीय होगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, गामा किरणें की अधिकतम साम्यता होती है, गामा रेस है ग्रेटेस्ट सिमिलरिटी विथ अल्फा रेस, अल्फा किरणों के साथ, बीटा किरणों के साथ, गामा किरणों के साथ, अल्ट्रावायलेट रेस के साथ। सभी लोग बताइए, यानी कि गामा किरणें जो हैं वो किसके इक्विवेलेंट होती? अंशिल वर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंशिल वर्मा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नीरज कुमार भी हमारे साथ जुड़े हैं, नीरज कुमार जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बच्चा ये तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन, गामा किरणें जो होंगी वो किसके इक्विवेलेंट होगी? गामा किरणों की। अब इनके जो भेदने की क्षमता होती, किसी मेटेलिक पी लेयर को पास करने की जो टेंडेंसी होती, सबसे ज्यादा गामा की ही होती, उससे कम बीटा की होती, सबसे कम अगर बात करें तो अल्फा की होती। अल्फा किरणों की भेदन क्षमता सबसे कम और गामा किरणों की भेदन क्षमता जो होती वो सबसे अधिक होती। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, देखिए लिखा दृष्ट के पश्चदीप सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है। लिखा है परसिस्टेंस ऑफ विजन इज द प्रिंसिपल बिहाइंड कैमरा या स्पेक्ट्रोस्कोप या सिनेमा पेरिस्कोप। सभी लोग बताइए ये सिद्धांत किसमें कार्य करता है?
सभी लोग बताओ भाई आंसर। देखते हैं सबसे पहले करेक्ट जवाब किसका होगा। सबसे पहले करेक्ट जवाब जो आया है वो आया है बच्चा किसका। सबसे पहला करेक्ट जवाब हमें मिला है आदित्य सिंह का, सही जवाब है। या बच्चा इसमें सीधा सा पूछा गया है, जो आपकी देखने की शक्ति है यानी कि जो आपकी आंख है जिससे आप देखते हो, वह किस सिद्धांत पर कार्य करती है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, तो हमारी आंख जो होती है ये बच्चा फोटोग्राफिक कैमरे के सिद्धांत पर कार्य करती है। किस पर कार्य करती है? फोटोग्राफिक कैमरे के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा वो होगा कैमरा। कमाल हो गया भाई, वाह भाई वाह। सभी लोग आंसर बताइए। आज तुम लोग देख रहे होगे मैं बड़ा सा लंबा सा तिलक लगा के पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं सोचा कर तुम लोग के लिए आज पूजा पाठ कर लेते हैं कि ईश्वर क्या कहते हैं, तुम लोग को सबको सुरक्षित रखे, सबको प्रोटेक्ट रखे। देख रहे हो मैं बड़ा सा आज तिलक धारण करके पढ़ा रहा हूँ, हालांकि ऐसा मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं आज एक जगह गया था, बड़ा कार्यक्रम था, एक हमारे मित्र हैं तो वहीं पे तिलक धारण हो गया, वहीं खाना वाना भी खा लिया। और जानते हो जब खा लो ज्यादा पार्टी वार्टी में फिर काम वाम करने का मन नहीं होता, लेकिन फिर पढ़ाना पढ़ना पढ़ाना तो है जरूरी। चलिए भाई, अब फिर स्टूडेंट लाइफ तो आप जानते होंगे, स्टूडेंट लाइफ के बारे में होता क्या, हम लोग को कोई बुलाता तो है नहीं स्टूडेंट को, हम लोग अपना आराम से क्या करते हैं, बनाते खाते उल्टा सीधा काम चल रहा होता। अब दूसरे घर पहुंचो पता चले पनीर की सब्जी, रायता, अभी व्यंजन देख के आदमी का मन मानता थोड़ी ना, वो भी बना बनाया गिफ्ट रूप में उड़ा देता है। वही हाल सबके साथ। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व है, नेसेसरी एलिमेंट ऑफ द, बिल्कुल नेसेसरी एलिमेंट ऑफ द चेंज इन सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बताओ भैया अंशिल वर्मा, तुम खाली प्रेजेंट लगाने आते हो, बोलो इसका सही जवाब क्या होगा। बेरेलियम, सिलिकॉन, टाइटेनियम, प्योर कॉपर। सर क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टेड, बहुत अच्छे हैं रवि जी। शेखर साहू, हिंदी में आंसर होना चाहिए। अरे मेरे लाल, बेरेलियम, बेरेलियम को हिंदी में भी बेरेलियम, सिलिकॉन को भी हिंदी में बेरेली सिलिकॉन, टाइटेनियम को भी हिंदी में टाइटेनियम बोलते हैं, और प्योर कॉपर जो है उसको भी हिंदी में कॉपर यानी कि तांबा बोलते हैं। चलो भाई बता दिया आंसर, बताओ मेरे लाल। देखते हैं सही जवाब सबसे पहले किसका। सबसे पहला सही जवाब मुझे नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, और किसी को आ रहा है कि किसी को नहीं आ रहा है, कैसे काम चलेगा। नीरज कुमार, ए 101% है। तो नीरज कुमार जी, ये तुम्हारा परसेंटेज बच्चा ढेर हो गया। तुम्हारे परसेंटेज जो है, सर क्वेश्चन तो आज क्या है भी नहीं, आज हमने है भी खाना खा लिया ना, तो इसका सही जवाब होगा सिलिकॉन। याद रखना बच्चा, जितने डिवाइसेस बनाई जाती हैं इन डिवाइसेस में ज्यादातर किसका यूज किया जाता है, सिलिकॉन का यूज किया जाता। कारण क्या? सौर ऊर्जा वाली प्लेट कभी देखे हो तुम लोग? सौर ऊर्जा वाला प्लेट देखा है कभी तुम लोगों ने? बोलो, क्वेश्चन हार्ड करें भैया, इसी का आंसर बताओ ले बानी। देखो कभी ये बताइए, सौर ऊर्जा देखे हो? सौर ऊर्जा भाई सोलर एनर्जी लेता है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता, तभी तो बैटरी तुम्हारी चार्ज होती है। लेकिन उसको धूप में रखते समय जब छू लेते हो तो क्या करंट मारता है? नहीं मारता है। जब बैटरी चार्ज कर रहा है तो गुड कंडक्टर का काम कर रहा है यानी कि सुचालक का काम कर रहा है, और जब बच्चा तुम छू लेते हो करंट नहीं मारता है, तब वो बैड कंडक्टर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? बैड कंडक्टर का काम कर रहा है यानी कि कुचालक का काम कर रहा है। तो आप खुद सोचो मेरे लाल कि यहाँ पे अगर बात करें तो गुड कंडक्टर वो
वो हैं गुड कंडक्टर की बात करें तो गुड कंडक्टर उनको कहते हैं जो विद्युत के सुचालक हैं। अब ऐसा केवल और केवल सिलिकॉन में हो सकता है। सिलिकॉन ही ऊष्मा और विद्युत के सुचालक भी होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक भी होते हैं, यानी कि ये उपधातु हैं। तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा, बहुत अच्छे, इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, सिलिकॉन होगा। अच्छा मेरे लाल, अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन टीवी के ध्वनि संकेत होते हैं, द ऑडियो सिग्नल ऑफ टीवी आर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट में, आयाम मॉड्यूलर में, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेट में, आवृत मॉड्यूलेट में, या अनमॉड्यूलेट में, अमॉड्यूलेट में, या वेलोसिटी मॉड्यूलेट में, वेग मॉड्यूलेट में। बताओ बच्चा पवन रजक जी, तुम्हारे पास जीरोक्स बहुत रखी, इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब की अगर बात करें बच्चा, तो जान लो सभी लोग, सबसे पहले सही जवाब जो मिला है आदित्य सिंह का सही जवाब सबसे पहले मिला। आदित्य सिंह ने सही जवाब बताया, इसमें बच्चा फ्रीक्वेंसी होता है। इसमें पूछा गया है ऑडियो मॉड्यूलेट। ऑडियो सिग्नल की अगर बात करें तो जो फ्रीक्वेंसी होती है यानी कि आवृत। आवृत क्या है? आवृत एक प्रकार की ध्वनि ऊर्जा है। आवृत क्या है? एक प्रकार की साउंड एनर्जी है। तो यहाँ पे साउंड एनर्जी क्या है? आवृत है। और यहाँ पे ऑडियो की अगर बात की जा रही यानी कि साउंड की बात की जा रही, तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा, आवृत मॉड्यूलेट होगा। देखिए केवल आवाज का प्रसारण जो होता है वो रेडियो के द्वारा होता है, होता नहीं होता। और टीवी के जो जितने टीवी चैनल्स हैं उनके द्वारा आवाज का प्रसारण भी होता है और पिक्चर का प्रसारण भी होता है। बच्चा पिक्चर और आवाज अलग अलग सिग्नल पे प्रसारित होते हैं, ये भी जान लो। पिक्चर के प्रसारण में रेडियो तरंगे काम आती हैं, लेकिन क्या कहते हैं, आवाज के प्रसारण में ध्वनि तरंगे काम आती हैं, याद रखिएगा, यानी कि फ्रिक्वेंसी। ठीक, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी होगा। तो इसकी अगर बात करें तो इसका सही जवाब होगा ध्वनि यानी कि फ्रिक्वेंसी। तो ये सही जवाब होगा। रेडियो वाला तो बोलता भी है, आप जानते हैं कि आवृत की यूनिट जो है वो हर्ट्स होती है। हर्ट्स से बड़ी यूनिट की अगर बात करें तो किलो हर्ट्स होती है। किलो हर्ट्ज से बड़ी यूनिट मेगा हर्ट्ज होती। वो बोलता है कि भैया आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो, हम प्रसारित कर रहे हैं 98.3 मेगा हर्ट्ज से। न्यूमेरिकल कहाँ है सर? मेरे लाल, न्यूमेरिकल इस वक्त चंबल मंगल पे मंगल कर रहे हैं। अब न्यूमेरिकल जब कराएंगे तो न्यूमेरिकल की अलग से क्लास कराएंगे, अब इसमें थोड़ी ना न्यूमेरिकल आ जाएंगे, समझे मेरे लाल। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है टेप रिकॉर्डर को निम्नलिखित में से किस चीज के समीप नहीं रखा जाना चाहिए। टेप रिकॉर्डर को किसके पास नहीं रखना चाहिए? टेप रिकॉर्डर शुड नॉट बी केप्ट नियर वन ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, क्लॉक घड़ी के पास, मैग्नेट यानी कि चुंबक के पास, इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड के पास, रेडियो के पास। तो बताओ बच्चा, सबसे पहला सही जवाब आया है आदित्य सिंह का। कमाल हो गया आदित्य सिंह भैया, इसी बात पे सब लोग क्लास को लाइक कर दो। अरे टूट गई किस्मत भैया, हे भगवान, इतने लोग लाइव हो, लाइक ये कौन ही सर, आपका ऑफलाइन स्टूडेंट, गुड परफॉर्मेंस भी थे, लाइक करो भैया, हम जानते हैं तुम लोग दुष्ट हो। अभी यहाँ पे हम पढ़ा रहा नहीं होता, पढ़ा रही होती तो तुम तुरंत इंप्रेस करने के चक्कर में लाइक करके चले जाते, समझ रहे हो। लेकिन पढ़ा रहा है, इससे कुछ हो तो सकता नहीं, इससे केवल पढ़ा ही जा सकता है। तो इसकी अगर बात करें तो ये मैग्नेट होता है, चुंबक,
क्योंकि ये रेडियो जो वेव होती हैं उनकी फ्रिक्वेंसी को प्रभावित करता है। तो हो सकता है आधा, क्या कहते हैं, रिकॉर्ड हो, आधा रिकॉर्ड ना। हाँ, हमारे साथ सौतेला ही व्यवहार हो रहा, देखो कितनी गलत बात है भाई। तो यहां पे अगर बात करें तो इसका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा, मैग्नेट। मैग्नेटिक पावर जो है, मैग्नेटिक पावर की अगर बात करें तो मैग्नेटिक पावर के कारण ये फ्रिक्वेंसी को प्रभावित कर देता है, जिसके कारण जो चीज रिकॉर्ड करनी है वो चीज हो सकता है रिकॉर्ड ना हो पाए। ये दिक्कत आती है, कभी चेक करके देख लेना। अगला क्वेश्चन है, जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा हो जाता है तो झूले की दोलन की आवृत्ति क्या होती है, घटती है या बढ़ती है, यही पूछेगा। देखा, व्हेन अ पर्सन सिटिंग ऑन अ स्विंग स्टैंड अप ऑन द स्विंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन डिक्रीज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है या बिकम इनफिनाइट हो जाती है, डस नॉट चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता। गुड परफॉर्मेंस कुंदन रावत, वाह भाई वाह, कमाल हो गया, गुड, बहुत अच्छे, गुड परफॉर्मेंस। अभिराज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव कुमार गुरुजी, गुड परफॉर्मेंस, जय हिंद जय हिंद, बताओ आंसर बताओ। तो इसका आंसर सबसे पहले सही जवाब, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब आया है किसका, नीरज कुमार का सही जवाब आया है। नीरज कुमार जी बिल्कुल, क्या होगा, बढ़ेगा आवृत्ति, उसकी क्या होती, बढ़ती है। आपको पता है कि यहाँ पे अगर बात करें तो ये इस झूले की लंबाई पर इसका आवर्तकाल निर्भर करता है। आप सभी लोग जानते हो झूले की लंबाई जो होती है वो इसके यानी कि आवर्तकाल के क्या होता है, समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कल क्लास नहीं लगी थी इसलिए आज बहुत लेट हो गया। हाँ, कल क्लास नहीं लगी थी बच्चा, हमने ग्रुप में अपडेट किया था, लेकिन तुम लोग ऐसे लोग कि पता चले कि क्या ग्रुप में जो ज्वाइन ही नहीं करते हो, कौन सा एग्जाम क्रैक किए हो, रोल नंबर 2 अभी। अच्छा, किससे रोल नंबर मांग रहे हो, जरा बताओ। छवि कांत शर्मा जी, बेटा मेरी बहुत सीधी और सीधी सीधी बात सुन लेना, मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूं यहां पे बैठा, समझ में आई बात, टीचर हूं, ठीक है। पहली चीज ये उल्टी सीधी हरकतें, पहली चीज तो आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, मुझे तो यही उम्मीद है क्योंकि इस चैनल पे आप आए हैं, यहाँ केवल पढ़ाई की बात होती है, ठीक। तो आप पढ़े लिखे इंसान, आप जिस एटीट्यूड जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं ऐसा तो एटीट्यूड बिहेवियर टीचर के साथ तो नहीं होता है, क्योंकि मेरे भी कोई ना तो कोई गुरु रहे ही, मैं कोई जन्मांध तो विद्वान पैदा नहीं हुआ था, ना तो हम क्या कहते हैं जन्मांध, हमको किसी चीज का ज्ञान था, ठीक है, समझ रहे हो मेरे ला। बाकी प्रोफाइल चेक कर लो और अनअकैडमी को कॉल कर लो, सब कुछ अनअकैडमी बताती है। लिखा है, रात में तथा कुहासे में कोहरे में फोटोग्राफी करना निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए संभव है, कौन सी तरंगों का प्रयोग करके। तो कौन सी वेव ऐसी हैं जिनका यूज करके, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, ठीक है। लिखा है, नाइट फोटोग्राफी एंड फोटोग्राफी इन मिस्ट एंड आर फॉग आर पॉसिबल। अच्छा ये बताओ, आप ऐसे हमसे पूछ रहे हो, आप ये बताइए आप हमारे कौन हैं, आप अधिकारी हैं, आपसे हमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है कि आपको हमें जस्टिफाई करना है, आप कौन है जो मैं आपको बता दूंगा और आप देख लेंगे, बोलिए आप हैं कौन।
स्टूडेंट हैं। आपका ये राइट नहीं, मैं क्या करता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ क्या है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ क्या, जिस काम से हम जुड़े हैं वो क्या कहते हैं, काम सुनो और पढ़ो। का हाल देखिए, बिल्कुल, अरे हम जानते हैं मेरे लाल, नहीं हम इसलिए सुन लो, इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि बेचारे टीचर जो हैं वो सुन लेते हैं, क्योंकि हर किसी को ये मतलब लगता है, ऐसे लोगों को जो टीचर वहाँ ऑनलाइन पढ़ा रहा है वो मेरा नौकर नहीं, मेरा गुलाम है, जो हम चाहेंगे जो पूछेंगे वो बताएगा, उसकी कोई प्राइवेसी नहीं, उसकी कोई मर्जी नहीं, इसलिए ऐसा हार्डली मुझे बोलना जरूरी, ताकि वो दूसरे टीचर के साथ सावधान रहें। तो देखिए यहाँ पे इंफ्रा रेड वेव रेड जो होती हैं, इंफ्रा रेड रेडिएशन का प्रयोग बच्चा नाइट विजन में ही किया जाता है, इसमें किया जाता है नाइट विजन में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है नाइट विजन में किसका प्रयोग होता है, इंफ्रा रेड का प्रयोग होता है। दूसरी चीज, जैसे सीसीटीवी कैमरा की अगर बात करें, सीसीटीवी कैमरा जो है वो नाइट विजन कर सकते हैं, क्योंकि उनमें इंफ्रा रेड वेव क्या होती है, रिलीज होती है। अगला क्वेश्चन है बच्चा, लिखा निम्नलिखित में से दृष्टि भ्रम कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकल इल्यूजन, लिखा रेनबो, अर्थ साइन, हेलो, मिराज, दृष्टि भ्रम कौन सा है, सभी लोग आंसर बताइए। तो इसका सही जवाब देखते हैं भाई, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब किसका आया है, ऋषुराज ने सबसे पहले करेक्ट आंसर बताया है। ऋषुराज जी गुड परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी बात है। मिराज, मिराज की अगर बात करें तो इसको बच्चा मरीचिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मरीचिका। मरीचिका है क्या, छिछले रेगिस्तान में जब हम दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पानी भरा हुआ है, लेकिन जब हम पास पहुंचते हैं तो वहां कोई पानी नहीं होता है, यानी कि वो क्या है, हमारे दृष्टि को भ्रम होता है। रोड पे भी ऐसा पता चलता, ऐसी घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही घटित होती है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसका क्वेश्चन अगर पूछे ये घटना कौन से सिद्धांत पर आधारित है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जीतू जी मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बड़े दिन बाद जुड़े मेरे लाल। अगला क्वेश्चन देखिए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 15, देखा पानी का पृष्ठतनाव अपमार्जक मिलाने पर, पानी का पृष्ठतनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या होता, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर ऑन एडिंग डिग्रेड डिटर्जेंट टू इट इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, नो चेंज होता है, क्वेश्चन ये पढ़ाया हुआ है, बता दो मेरे लाल फटाफट। सबसे पहला सही जवाब जो आया है, दीप जी का सबसे पहला सही जवाब आ चुका है। इसका अगर करेक्ट आंसर की हम बात करें बेटा, तो इसका करेक्ट जवाब जो होगा वो क्या होगा, ये डिक्रीज हो जाता है। याद रखिएगा, अगर कोई चीज ऐसी है जो पानी में अघुलनशील है, यानी कि जो पानी में घुलता नहीं है, पानी में घुल नहीं सकता है, सॉल्वल नहीं है, तो पानी के पृष्ठतनाव को तुरंत क्या कर देगा, घटा देगा, और पृष्ठतनाव घटता है तो एरिया क्या होता है, बढ़ता है, ये भी याद रखिए। अब सवाल उठता है कौन सी चीजें पानी में नहीं घुलती हैं, तो पानी में क्या नहीं घुलता बच्चा, निर्मा घुलता है या नहीं घुलता है, बोलो मेरे लाल, पानी में निर्मा घुलता है या नहीं घुलता है, बोलो। इसके अलावा पानी में दूध घुलता है नहीं घुलता है, बोलो मेरे लाल, पानी में तेल घुलता है नहीं घुलता है, घुलता नहीं है, नहीं घुलता है, जान लो मेरे लाल, निर्मा दूध तेल ये सब कभी पानी में घुलता नहीं है। अब कौन सा घुलता है उसके लिए एक दोहा सुनिए, हिंदी जब आपने पढ़ा होगा कबीर दास जी के बारे में, तो कबीर दास जी ने एक दोहा कहा है, हेरत हेरत हे सखी, ध्यान सुनो, हिंदी का एक क्वेश्चन बताएंगे इसी में,
हेरत हेरत हे सखी, वही मैं बता रहा हूं कैसे। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हराए, बूंद समानी समद में, सोकत हेरत जाए। यानी कि हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हराए, बूंद समानी समद में, सोकत हेरत जाए। इसमें अगर पूछा जाए बच्चा रस कौन सा है, तो इसमें रस है बच्चा संयोग श्रृंगार। देखो, तो जब हम कोई चीज बताते हैं तो उससे बहुत सारी बातें निकल के आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। संयोग श्रृंगार क्यों है इसका अर्थ समझिए, फिर आपको इसका मतलब भी बता देंगे, उसी से ये सिद्ध हो जाएगा। कबीरदास जी अपने कवि मित्रों से कहते हैं कि हेरत हेरत हे सखी, अपने सखा मित्रों से बोलते हैं कि उस परमात्मा को खोजते खोजते रहा कबीर हराए, उस परमात्मा में कबीर रूपी आत्मा क्या हो गई, हरा गई है, यानी कि विलीन हो गई। बूंद समानी समद में, जिस प्रकार से पानी की ये बूंद समद यानी कि समुद्र में समा जाती है, उसका अस्तित्व मिट जाता है। बूंद समानी समद में, सोकत हेरत जाए, उसका अस्तित्व मिट जाता, उसे हेरा नहीं जा सकता, उसे खोजा नहीं जा सकता। उसी प्रकार से कबीर रूपी आत्मा उस परमात्मा में विलीन हो गई है, अब ये कबीर रूपी आत्मा यहाँ पर नहीं मिलेगी, यानी कि मृत लोक में खोजने से नहीं मिलेगी। यानी कि जिस प्रकार से पानी की एक बूंद समुद्र में डाल दो और वो विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती, उसे खोजा नहीं जा सकता है, उसका अस्तित्व मिट जाता है, उसी प्रकार से अगर कोई ऐसी वस्तु आप पानी में मिलाते हो जिसका अस्तित्व मिट जाए तो वो घुलनशील है, अगर उसका अस्तित्व ना मिटे तो वो अघुलनशील है। अगर उसका अस्तित्व मिट जाए तो घुलनशील है, अस्तित्व ना मिटे तो अघुलनशील है। निर्मा घोलते हो, क्या अस्तित्व मिटता है? नहीं मिटता, यानी कि अघुलनशील है। गुड परफॉर्मेंस, ठीक। और दूसरा क्या कहते हैं, इसके अलावा अगर बात करें, हाँ अभी बताएंगे, छोला जल्दी क्यों फूलता है, दूध अगर मिलाते हैं तो दूध भी नहीं घुलता है। देखो बच्चा मेरे लाल, समझ लो, अब जैसे दूध में अगर पानी डाले, तो पानी में दूध डाले तो कौन गायब हुआ, पानी या दूध? अस्तित्व किसका मिटा? पानी का। यानी कि दूध में पानी घुलता है लेकिन पानी में दूध नहीं घुलता है। निर्मा डालते हो पानी में, क्या निर्मा का अस्तित्व मिट जाता है? नहीं मिटता है। यानी कि वो पानी में क्या, पानी में यानी कि क्या, अगर हम बात करें तो पानी में अघुलनशील है। तो जब कोई चीज ऐसा डिटर्जेंट हम मिलाते हैं जो पानी में नॉन सॉल्वल होता है, जैसे हम ऐसे डिटर्जेंट को ऐड करते हैं तो वो पानी का पृष्ठ तनाव क्या कर देता है, हटा देता है। समझ में आई बात? दीप टैलेंट हब, बोलो भैया, गुड परफॉर्मेंस, वाह 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 वाह, कमाल हो गया, गुड परफॉर्मेंस। बताओ बच्चा, समझ में आया नहीं आया? बोलो मेरे लाल, समझ में आई बात नहीं आई? अगला क्वेश्चन, होप सो समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, देखो भाई, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए आपेक्षिक तरंगे हैं, वेव्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन आर। हाँ, गुड परफॉर्मेंस प्रियांशी, देखो सभी लोग आंसर बताओ, प्रियांशी, प्रेम कुमार जी, गुड परफॉर्मेंस, बहुत अच्छे, कमाल हो गया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब देखते हैं, सबसे पहले कौन लेकर आया है, सबसे पहले दीप टैलेंट हब सही जवाब लेकर आए। रेडियो तरंगों से बच्चा वायरलेस कम्युनिकेशन किया जा सकता। वायरलेस कम्युनिकेशन का मतलब जिसमें तार ना जुड़े, बेतार का मतलब ही होता है जिसमें तार ना हो। बिना तार का जो संचार होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन जो होता है, उनमें बच्चा रेडियो तरंगों का इस्तेमाल होता है। कौन सी तरंगे इस्तेमाल होती हैं? रेडियो तरंगे इस्तेमाल होती हैं। समझ में आई बात? कमाल हो गया। अगला क्वेश्चन, सर लगता है मेरा आंसर नहीं गया।
हाँ ऋषभराज जी, गया है लेकिन लेट गया है, जस्ट उनके बाद आया है। अगला क्वेश्चन, या फिर बाद में गया, नेटवर्क प्रॉब्लम, बाद में गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? द फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन इज बेस्ड ऑन कार्नोट साइकिल या ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, बाइसिकल साइकिल, ये क्या लिख रही है? फोर स्ट्रोक इंजन। अच्छा, तो फोर स्ट्रोक इंजन जो आधारित होता है वो किस पर आधारित होता है? फर्स्ट आंसर पक्का गलत है, सेकंड आंसर है पक्का। अगर हम बात करें तो इसमें जो फोर स्ट्रोक इंजन है, इसमें अगर बात करें तो इसमें यांत्रिक ऊर्जा के परिवर्तन, यांत्रिक ऊर्जा के परिवर्तन की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? यांत्रिक ऊर्जा के परिवर्तन की। बच्चा पहले देखो, एक गाड़ी आती थी सुजुकी, आती थी नहीं आती थी, सुजुकी, जो टू स्ट्रोक का इंजन होता था। अब जो गाड़ी आती स्प्लेंडर, अपाची, ये सब जो बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं वो सब फोर स्ट्रोक का होता है। अगला क्वेश्चन देखा, निम्नलिखित में से किन तरंगों को निर्वात के माध्यम में संचरित नहीं किया जा सकता? दीज वेव कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम। लाइट वेव को, साउंड वेव को, हीट को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। सभी लोग आंसर लगा दो, कमाल हो गया भैया। सर हिंदी में ही बोल दो, इंग्लिश आती नहीं मेरे लाल, सब हिंदी भी लिखा है। संजीव कुमार जी, आदित्य सिंह, देखते हैं भाई, सबसे पहला सही जवाब आदित्य सिंह ने छाप दिया है, बहुत अच्छे, कमाल हो गया। महेश गुप्ता, यहाँ पे अगर बात करें, देखो इसका सही जवाब की अगर बात करते हैं तो इसका सही जवाब होगा क्या? साउंड वेव। क्या होगा? साउंड वेव, यानी कि ध्वनि तरंगे। कौन सी तरंगे बच्चा? ध्वनि तरंगे। क्योंकि ध्वनि तरंगों की अगर बात करें तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं, इनकी अगर बात करें, अच्छा तुम्हारा है प्रीति चौरसिया जी, देखते हैं भैया गलती हो गई ना। प्रीति चौरसिया जी आपका तो प्रीति चौरसिया, क्वेश्चन नंबर 18 नहीं, तुम्हारा तो नहीं है, तुमने डिलीट कर दिया था कमेंट, डिलीट कर दिया था प्रीति ने कमेंट। तो यहां पे अगर बात करें, अगर तुमको एक्चुअल में प्रॉब्लम है तो बच्चा मुझे कॉल कर लेना 888-7893015, ठीक। अब यहां पर लेकिन इससे रिलेटेड कोई कमेंट नहीं आना चाहिए, ये फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है, ठीक। कांटेक्ट नंबर दे दिया हूँ, समस्या है 888-7893015, आप हमें कॉल कर लेना, ठीक। अगर आप दोबारा कमेंट में ऐसी बात करते हो तो मैं समझ जाऊंगा तुम मजाक कर रहे, फिर बेटा जब हम मजाक करेंगे तो बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, ठीक है, ध्यान दो। तो यहाँ पे अगर बात करें तो साउंड वेव जो होती है, साउंड वेव की अगर बात करें तो ये क्या है? ये ट्रैवल नहीं करती वैक्यूम में, ठीक, वैक्यूम में ये ट्रैवल नहीं करती है, ठीक है, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती। यही कारण है कि स्पेस जो है, स्पेस यानी कि जहां पे निर्वात नहीं, निर्वात है, वैक्यूम है, वहां पर दो चीजें कभी क्या होता है, वहां पर दो स्पेस क्राफ्टर, दो अंतरिक्ष यात्री, दो अंतरिक्ष यात्री आपस में कभी बात नहीं कर पाते। क्यों बात नहीं कर पाते हैं? इसलिए बात नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि साउंड वेव वहां ट्रेवल नहीं करती। अगला क्वेश्चन देखा, पायलट लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए बम गिरता है। अ पायलट हैज टू रिलीज द बम
टू हिट आ टारगेट, एरिया एक्सपेंशन या बियॉन्ड द टारगेट, बिफोर द टारगेट, नन ऑफ दीज। सभी लोग आंसर बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सभी लोग आंसर बताओ। देखते हैं सही जवाब। हमारे साथ इनाश खान भी जुड़ गए हैं। सबसे पहला करेक्ट आंसर जो 19 का आया है वो किसका आया है? सबसे पहला करेक्ट आंसर 19 का आया प्रियांशी प्रेम कुमार का। प्रियांशी प्रेम कुमार ने सबसे सही जवाब दिया है। इसका करेक्ट आंसर होगा बिफोर द टारगेट, यानी कि क्या होता है जब हिट किया जाता है तो टारगेट तो उसमें सेट करके ही हिट किया जाता है। ठीक, पहले से टारगेट क्या होता है सेट किया जाता, उसके बाद हम क्या करते हैं हिट करते हैं। तो टारगेट सेट करने के बाद हम हिट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है एक तांबे की छड़ है और दूसरी इस्पात की, दोनों को पानी में डालने पर एक जैसा उत्क्षेप होता है। इस प्रकार दोनों का टू रॉड्स वन ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ स्टील एक्सपीरियंस द सेम अब थ्रस्ट व्हेन प्लेस इन वाटर दस बोथ है इक्वल वॉल्यूम होगा, इक्वल वेट होगा, इक्वल डेंसिटी होगी, इक्वल मास होगा। सभी लोग आंसर बताइए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, सबसे पहला सही जवाब क्या होगा, किसका सबसे पहला सही जवाब आया। सबसे पहला सही जवाब, कमाल हो गया भाई, बहुत कमाल हो गया, बहुत बहुत कमाल हो गया। सभी लोग फटाफट आंसर बताओ। किसी का भी आंसर सही नहीं, उसका जो होगा वो बच्चा इक्वल वॉल्यूम होगा। क्या होगा? इक्वल होगा, वॉल्यूम इक्वल होगा। जब एक तांबा और क्या कहते हैं एक तांबे की छड़ होगी कापर की, दूसरी इस्पात की, इनको जब क्या किया जाएगा, ये जब क्या होगा इनकी, जब ये दो छड़े होंगी इनको जब किसी उत्क्षेप यानी कि जब किसी अपथ्रस्ट यानी कि जब किसी में डाला जाएगा तो जब ये क्या होगा ये फैलेंगी तो इनका वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा सेम होगा। भाई डिस्टरबेंस आ रहा, आकाश यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश यादव जी आपका भी स्वागत है। संजीव कुमार तुम बेटा लंपटगिरी छोड़ दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं लंपट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन शुद्ध हिंदी का शब्द है, दीर्घ दृष्टि को निम्नलिखित में से किससे प्रयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइट कैन बी करेक्टेड बाई यूजिंग बाई फोकल लेंस से या सिलेंड्रिकल लेंस से, कॉनकेव लेंस से, कॉन्वेक्स। सबसे पहला सही जवाब 21 का आदित्य सिंह का सही जवाब मुझे मिला सबसे पहले, बिल्कुल आंसर सही है। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस जो है इसका प्रयोग किया जाता है हाइपरमेट्रोपिया में। हाइपरमेट्रोपिया को दीर्घ दृष्टि कह रहा है। इसको बहुत आसान भाषा में जब आप पढ़ते हो तो कहते हो दूर दृष्टि दोष, और दूर दृष्टि दोष जब किसी व्यक्ति को होता है तो नजदीक की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। कहाँ की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं? नजदीक की वस्तुएं साफ नहीं दिखती हैं, यानी कि ये समस्या ज्यादातर दादी दादा को होती है। दादी लोगों को ये समस्या हो जाती है, लेकिन ध्यान रहे दादी शूटर भी थी। हरियाणा की दो दादी जिनमें जिनके विवाह पे जिनके बेस पे पिक्चर बनी हुई। अरे गुरु जी, अरे मेरे लाल, रिचा मैडम सही तभी बताई हैं, सबसे पहले जो सही बताएगा उसका ही नाम लिया जाता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो क्या यानी कि जो नजदीक की समस्या होती है उसको हाइपरमेट्रोपिया, और जब दूर की चीजें दिखना बंद होती हैं
अब महेश गुप्ता, तुम बेटा पूरी पूरी मौज ले रहे हो, ठीक है? पहली चीज, ठीक, मेरी बात सुन लो। तुमको सलाह देने की पहली चीज तो जरूरत नहीं, नंबर एक, ठीक है? और दूसरी चीज, सबसे खास बात तो ये है कि बेटा मौज तुम्हारी बहुत हो गई है, क्या फायदा अभी तुम रोने लगोगे अगर हम बोल देंगे। इसलिए क्या कहते हैं, अपनी सलाह अपने पास रखिए। आपको दिक्कत है, मैं अभी तक सिंपैथी दिखा रहा था, एक्चुअल में मुझे लगता था कि हो सकता तुम परेशान हो, ठीक है? लेकिन अब मैं समझ गया हूँ तुम परेशान नहीं, परेशान कर रहे हो, ठीक? अभी भागोगे यहाँ से, ध्यान दो। देखिए, तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखा, कार रेडिएटर में पानी का प्रयोग निम्नलिखित में से उसके किस कारण से किया जाता है? ठीक, वाटर इज यूज कार रेडिएटर बिकॉज ऑफ इट्स लो डेंसिटी, निम्न घनत्व के कारण, इजी अवेलेबिलिटी, आसानी से उपलब्धता के कारण, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उच्च विशिष्ट ऊष्मा की क्षमता के कारण। देखते हैं भाई, सबसे पहले सही जवाब किसने बताया है। तो सबसे पहले सही जवाब की अगर बात करें, तो सबसे पहले सही जवाब आया है किसका? सबसे पहले सही जवाब आया है किसका? हिमांशु पटेल अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका आंसर सबसे सही है। तो इसकी अगर बात करें, तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर ध्यान दें तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा की क्षमता वाली, ठीक, एक सेकंड हमें मौका दो, मैं ये महेश बाबू को जरा ब्लॉक कर दूं क्योंकि बहुत हो गया, पूरी क्लास डिस्टर्ब कर देते हैं, रोज रोज की ये नाटक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बैठ बैठ बैठ। चलिए, चलिए अगला क्वेश्चन, फटाफट बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया था ना, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए फटाफट। सभी लोग आंसर बताइए, बस एक सेकंड में अभी हो जाएगा, बताइए फटाफट। लिखा ताम्र डिस्क, ताम्र डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार, अ कॉपर डिस्क हैज होल, डिस्क अ हेडेड साइज ऑफ होल, डिस्क का होल जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? सभी लोग बताओ। मतलब हाथ बहुत अच्छा, मतलब वाह, डीप टैलेंट,
गुड परफॉर्मेंस, कमाल हो गया। देखो बच्चा, इसका बारे में बता देता हूं मैं, ध्यान दो। ओ शिट। देखिए आज के लिए भैया इतना ही, हम मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि मेरे 10 बजे लाइव होना है मुझे अनअकैडमी पे, और 10 एक हो गया, बहुत बहुत थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक, मिलते हैं।